brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं? आप सबने देखा होगा जितने राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था, फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से कहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। हम क्या हुए? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। स्मृति ईरानी की जो बात आ रही है उससे जाहिर हो रहा है कि स्मृति ईरानी जी विक्षिप्त हो चुकी हैं, मानसिक दिवालियापन उनका हो गया है। उनको तत्काल, मैं मोदी से आग्रह करूंगा कि तत्काल उनको किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर के दिखाया जाए जिससे उनका मानसिक इलाज कराया जा सके, ताकि वो अपने आप को सहज महसूस, कभी असहज लग रही हैं वो, तो उनकी असहजता मैं समझता हूँ कि वो उनकी मानसिक दिवालियापन दिख रही है। उन्होंने उदाहरण दिया आम तौर पे जिस तरह से बसों की सीटों पर लोग रुमाल छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका कहना है कि राहुल गांधी भी अमेठी को संकेत करते उन्होंने लिखा कि बोला कि अब उनके जीजा यहाँ से चुनाव लड़ने वाले, उसी तरह परिवार को वो लोग बढ़ा रहे हैं, हम तो अपनों की बात करते हैं, ये हम तो जनता की बात करते हैं, अपनों को लेकर चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जैसे मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से मानसिक इनका स्तर ये विक्षिप्त हो गई हैं, मानसिक स्तर गिर गया है, और निश्चित इस तरीके के बयान देना, और कोई छोड़ने वाला नहीं है, भ्रम में न रहें, ना कोई छोड़ने वाला है, काम करने वाले लोग हैं और काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी ने जो उनसे वादा किया था अमेठी की जनता से, उसको पूरा करें, उसको सही रूप से काम करें, जो किया, ये केवल मानसिक दिवालियापन या विक्षिप्तता उसका जो उनका वो चल रहा है दौर, मैं समझता हूँ कि इसको दूर करें जनता के बीच में और जाकर अपना ठीक से इलाज कराओ। राहुल गांधी को नकारा तक कह डाला उन्होंने कि तो कह तो रहा हूँ कि विक्षिप्त हो चुकी हैं। जब व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है तो आप सना बोलता है, उलझुल बोलता है, तो उनका पहले इलाज कराना चाहिए तत्काल। मोदी से मैं ही कहूँगा तत्काल उनको एम्स में एडमिट कराइए, उनका इलाज कराइए, जब वो ठीक हो जाए तब उनको फिर अमेठी में भेजिए। अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी कब पत्ते खोलेगी? ये बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। जो लोग सोच रहे हैं जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ के अनुसार ही लोग रहेंगे। गांधी परिवार से ही कोई रहने वाला है? मैंने कहा जनता की आवाज़, जो जनता मिट्टी और रायबरेली की आवाज़ है, उस आवाज़ के ही, जनता की आवाज़ पे ही वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के हमारे कैंडिडेट रहेंगे।